આઝાદીની 75મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે કેન્દ્ર સરકાર હર ઘર તિરંગાનું અભિયાન ચલાવી રહી છે અને આ તિરંગા અભિયાનને સફળ બનાવવા માટે દેશવાસીઓ લાગી ગયા છે। સુરત જો કે ટેક્સટાઇલ નગરી છે અને સાડીનો કારોબાર અહીંથી થાય છે, એટલે ટેક્સટાઇલ કારોબારી આ બાબતે પાછળ કેમ રહી જાય એ તો બને જ નહીં। સુરતમાં અત્યારે હું દુકાનમાં ઊભો છું, ત્યાં આપણે દ્રશ્યો જોઈ શકો, મારી પાછળ આપણે દેખાઈ રહ્યા છે આ ત્રણ રંગોમાં છે અને એની અંદર એક સાડી પેક કરવામાં આવી છે। ઉપર આ બોક્સ દેખાઈ રહ્યો છે અને એની અંદર સાડી અને ત્યાર પછી એની સાથે તિરંગો લગાવવામાં અને રાખવામાં આવ્યો છે। આ તસવીરો પણ આપને હું બતાવી દઉં છું, અહીંથી આપ જોઈ શકો છો કે આ સાડી તિરંગા સાથેની આ તસવીરો છે। આ જ રીતે આ પેકિંગ કરવામાં આવી છે। કેટલાક લોકો આપણે સાથે છે ને, આ જે થીમ બનાવનાર છે એ વ્યાપારી આપણે સાથે છે, એની સાથે વાત કરીશું। તેઓ શું કહી રહ્યા છે? ક્યાં નામ હે આપકા? નમસ્કાર, મેં ગોવિંદ ગુપ્તા, સંકલ્પ સાડી સે। हमने ये जो 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू है उसमें हम लोग हर साड़ी के साथ तिरंगा गांव-गांव तक, कस्बों-कस्बों तक और राज्यों तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए हमने अपनी हर साड़ी की पैकिंग के साथ एक तिरंगा जोड़ के इसमें भेजने का संकल्प लिया है। जो देश में नई मुहिम शुरू हुई है आज़ादी को लेकर, उसके साथ ही हमने यह तिरंगा हर घर तक पहुँचाने का, हर घर तिरंगा का संकल्प लिया है। उस हिसाब से हमने भिजवाना शुरू किया है काफी राज्यों में। तो सूरज से आपका कारोबार कहाँ, किन किन राज्यों में है और कैसे, मतलब कितना टारगेट लेके चल रहे हैं आप? हमने हमारा कारोबार अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी जगह का कारोबार है और हमने करीब 1,00,000 साड़ी डिस्पैच करने का ऑर्डर लिया है और यह प्रोसेस चालू भी हो गया। हमने करीब 25 से 30 हज़ार साड़ियाँ डिस्पैच भी कर दी हैं और यह निरंतर ये लोगों के पास तिरंगा और साड़ी पहुंच रही है, जिससे कि लोगों में देशभक्ति की भावना बढ़ रही है। तो बिल्कुल देशभक्ति की भावना स्वाभाविकपणे जी रीते आ तिरंगा हर घर तिरंगा अभियान चाली रो ए रीते देशभक्ति भावना 100% आम कही सकता कि जागृत थी रही है। बीजा लोग से तो शू कर आप करीशू। क्या नाम है आपका? दुर्गेश टिबड़ेवाल, कपड़ा व्यापारी। इस मुहिम को लेकर क्या कहेंगे? इस हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा यह जो मुहिम चली है, इसमें सभी भारतवासी अपने अपने स्तर पर हिस्सा ले रहे हैं। आज सूरत के रकुल मार्केट के व्यापारी संकल्प साड़ी ने यह संकल्प लिया है कि साड़ी के बॉक्स के साथ हर घर, गांव गांव, गली गली, कूचे कूचे तक तिरंगा झंडा फहराया जाए, जिससे सभी व्यापारियों तक यह झंडा पहुंचे और देश प्रेम की भावना प्रबल हो, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, पूरा देश तिरंगामय है इस बार। ललित शर्मा। ललित जी बताइए कि इस अभियान को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से साड़ियों के साथ तिरंगा भेजा जा रहा है? सूरत से काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर तिरंगा गया है, लेकिन वो सेल हुआ था। उसी को देखते हुए हमने ये सोचा कि क्यों न तिरंगा मुफ्त में पहुंचाया जाए, एज ए गिफ्ट पहुंचाया जाए, सभी के पास में तिरंगा पहुंचे। हो सकता है कोई परचेज करे नहीं करे, लेकिन साड़ियों के साथ में जाएगा, दुकानदार भी उसको आगे देंगे। इस हिसाब से हमने ये तिरंगा जो है वो आगे पहुंचाया है। हमारे जो नीचे के रिटेलर जो है वो उसको बांट देंगे बाद में हर जगह। वो 15 तारीख तक हर घर तिरंगा पहुंचे, इसके लेकर के हमने ये कार्यक्रम चालू किया है। सूरत कहीं पीछे कोई भी चीज़ में नहीं रहता है, हर समय आपने देखा है हर जगह है, जो भी कोई भी कॉन्सेप्ट आता है सूरत तुरंत उसको उठा लेता है। उसी कॉन्सेप्ट को उठाते हुए प्रधानमंत्री जी की मुहिम में हम भी शामिल हुए हैं और हर घर तिरंगा लहरे, इसके लिए ये मुहिम जो है वो चालू की गई है। तो बिल्कुल जी रीते ललित शर्माए बात करी छे कि सूरतना टेक्सटाइल कारोबारी ने सरकार तरफ थी 10 करोड़ थी वधु तिरंगा बनावानो ऑर्डर मळ्यो हतो, पर ए पैसा लईने जे तिरंगा बनावामां आव्या हता, पर सूरतना संकल्प साड़ी नाम थी जे कारोबार करे छे ए पहला कदा सूरतना कारोबारी छे जेओ मुफत में साड़ीनी साथे तिरंगा लोको सुधी पहोंचाड़वानो प्रयास करी रह्या छे। संजय सिंह राठौड़, गुजरात तक, सूरत।